नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते सज्जन सिंह वर्मा के कहे की। नाम के अनुरूप काम हो तो वो सदैव सार्थक कहा जाता है, और यदि जैसा नाम वैसे बोल मुख से ना निकले तो सुनने वाला यह कहने को मजबूर हो जाता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। बस ऐसा ही कुछ मामला हुआ है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनकर लौटे कांग्रेसी सांसद सज्जन सिंह वर्मा के साथ। इन दिनों सज्जन के बोल शहर के गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए। कहा जा रहा है कि नेताजी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में किया है उनका ना भी करते तो भी उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, फिर क्यों भियाने उलझुल अपने और दूसरों को लेकर कुछ कुछ कह डाला है। कहते हैं एक एक शब्द की कीमत होती है और इन शब्दों को यूं ही खर्च नहीं किया करते। हाल ही में टीम राहुल में स्थान पाए देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के सांसद सज्जन सिंह वर्मा अपने गृह नगर पहुंचे और अपने पहले ही सादगी भरे सम्मान और अभिनंदन समारोह में बिफर पड़े। सज्जन ने जमकर सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन वो सुर्खियां केवल इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ कहा वो उनके नाम के विपरीत है। अब उनके कहे की चर्चा शहर के गलियारों में जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है कि भैया ना तो अब शहर के नेता है ना ही प्रदेश के, ऐसे में उन्हें तो अब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं और उसके मायने क्या क्या निकाले जा सकते हैं। उनके कहे के सिलसिलेवार आलोचना ही कर लें तो आप भी कहेंगे कि बोल वचन के मामले में नेताजी को अपने नाम के अनुरूप ही काम करना चाहिए। भैया ने कहा कि किसी की औकात नहीं कि अश्विन जोशी का टिकट काट दे। सज्जन वर्मा यदि यहाँ औकात शब्द का उपयोग नहीं करते तो भी काम चल जाता। आखिर भैया ऐसा बोलकर किसे चैलेंज कर रहे थे? फिर भैया बोले हमारी दुकान तो दिल्ली में चल जाती है, ऐसे में अब भैया ये बताएं कि उनकी दुकान से क्या तात्पर्य लगाया जाए। भैया का ये कहना कि अंतर सिंह अच्छा काम कर रहा है तो उसका भी टिकट नहीं कटेगा, तुलसी का टिकट काटने वाला कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ, पंकज को 2 या 5 से टिकट मिल सकता है। वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय का नाम लेते हुए कहा कि व्यापारी भी चोरों से खुश रहते हैं। यही नहीं, वर्मा कई बार ऐसी भाषा का उपयोग कर गए जिससे ये एहसास हो गया कि वो 4 दिनों में ही दिल्ली वाले हो गए हैं। भैया की हर कही बात पर उनके अपने ही सकते में बताए जा रहे हैं। जबकि इधर सज्जन के मोदी सहित अन्य भाजपा नेताओं को लुच्चा, चोर, बेवकूफ और पाखंडी कहने से बीजेपी के गलियारों में सभी सन्न हैं। कह रहे हैं ऐसा क्या हो गया भैया को, पहले तो ऐसे नहीं थे। लगता है कांग्रेस इस बार सचमुच में ही चुनाव से बहुत पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। शहर की 5ों विधानसभाओं में टिकट बंटवारे को लेकर पहली रायशुमारी का दौर पूरा हो गया है और इसी के साथ किसे कहां से टिकट मिलेगा इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इस बार भी शुरुआती 2 वजनदार नामों के बीच ही रस्साकशी है और बाकी नाम केवल भीड़ बढ़ाने के। शहर का माहौल भले ही मानसून की झड़ी लगने के साथ ही खुशनुमा हो चला है, लेकिन कांग्रेस दफ्तर का माहौल इन दिनों बड़ा ही विचित्र बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहली रायशुमारी के साथ ही यहां आपसी खिंचाव पहली नजर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहां शहरी यानी 1 से लेकर 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र तक के दावेदार अपना दावा जता चुके हैं। अब भले ही नेता अपने अपने ठियों पर वापस पहुंच चुके हैं, लेकिन कौन दावेदार क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, इसकी पूरी जानकारी रख रहे हैं। खास बात यह है कि सभी दावेदार अपने आप को भारी भरकम आंक रहे हैं। अब कांग्रेस दफ्तर के गलियारों से आ रही सुरसुरी ही बता रही है कि प्रथम चक्र की रायशुमारी के बाद इस रायशुमारी का असर संगठन पर आंशिक रूप से ही सही लेकिन पड़ता दिखाई दे रहा है। प्रथम चरण की रायशुमारी में आने वाले दावेदारों की वजह से ढेर सारी धुंध साफ हो जाती है। अब हर दावेदार खुद को दूसरे दावेदार से बेहतर बताने का काम कर रहा है। वैसे ये बात भी कांग्रेसी गलियारों में जमकर उठ रही है कि जितने दावेदारों ने अलग अलग सीटों से अपना दावा ठोका है उनमें 2 से 3 नामों को छोड़ दें तो बाकी सभी नाम भर्ती आइटम के बतौर केवल पब्लिसिटी की चाह में पेश किए गए हैं। हर विधानसभा सीट से 3-3 और 5-5 नाम आए हैं जिन्हें पैनल के रूप में स्थान दिया गया है। बात विधानसभा वार करें तो दावा जताने वालों में 1 नंबर से संजय शुक्ला फिर दावेदार के रूप में मैदान में आ चुके हैं तो कमलेश खंडेलवाल और दीपू यादव उनकी राह में बाधा डालकर खड़े हो चुके हैं। वैसे संजय दीपू दोनों कई बार साथ साथ दिखाई दिए हैं, इसीलिए ये माना जा रहा है कि संजय को दीपू से कोई खतरा नहीं है। 2 नंबर में आए दावेदारों में के मिश्रा खुद ही सशर्त हैं। उन्हें ये भी पता है कि कैलाश विजयवर्गीय पुनः 2 नंबर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे में वो खुद दावेदार बनकर मैदान में आए हैं। यहाँ सबसे पुख्ता दावा किसी का है तो वो चिंटू चौकसे और छोटू शुक्ला जैसे नामों का है।
हालांकि यहां मोहन सिंगर और राजेश चौकसी के नामों को भी रायशुमारी में उछाला गया है। 3 नंबर की रायशुमारी में सर्वाधिक नेता कांग्रेस विधायक बाबा अश्विन का नाम ही जगते रहे, जबकि अनवर कादरी को भी यहां खुद की जमावट का लाभ मिला। 4 नंबर की रायशुमारी में चंद्रप्रभा शेखर, सुरजीत सिंह, अर्चना जायसवाल, सुरेश मिंडा और प्रीतम माटा जैसे नाम उछाले गए, जबकि 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र के लिए पंकज संघवी के बाद सबसे ज्यादा वजनदार नाम के रूप में शेख अलीम दिखाई दिए। संगठन के नेताओं के बीच हुई रायशुमारी में यहां से रघु परमार, विपिन खुजनेरी, अर्चना जायसवाल और विनय बाकलीवाल जैसे नाम भी छाए रहे। कांग्रेसी गलियारे ही बता रहे हैं कि सभी विधानसभा सीटों में शुरुआती दो दो नामों के बीच कश्मकश देखी गई, जबकि रायशुमारी के दौरान कुछ दावेदारों ने गांधी भवन से दूरियां भी बनाई। इसके पीछे तर्क दिया गया कि पार्टी के नेता रायशुमारी कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें दूर ही रहना चाहिए। यूं भी ये संगठन का काम है और वो अपना काम कर रहा है। आसमान से काले बदरवा पानी बरसा रहे हैं और जमीन पर रहने वाले नेता है कि लगातार ही अपने चुनावी बयानों से माहौल को तरबतर करते दिखाई दे रहे हैं। इन नेताओं में कुछ तो ऐसे हैं जो चुनावी मानसून में ही बाहर आते हैं। अब देखिए ना, एक पार्टी के 7 नेताओं ने एक ऐसा बयान जारी किया है जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा तो करता है, लेकिन बयान की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। अब बयान पढ़ने वाले उनके अपने समर्थक पूछ रहे हैं, ये 7 नेता कब मिले, कब बयान दिया, किसे पता भी नहीं चला। बीजेपी और कांग्रेस में इन दिनों संगठन में कई तरह के फेरबदल हो रहे हैं। नीचे से लगाकर ऊपर तक हो रहे इस बदलाव के बेला में अब बयानबाजी की बारिश भी शुरू हो गई है। हाल ही में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकारी नगर अध्यक्ष सहित 7 नेताओं ने एक जैसे बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस का जनाजा उठाने के लिए मालवा निमाड़ से 4 कंधों को अभी से नियुक्त कर दिया गया है, अब केवल हांडी उठाने वाले की तलाश हो रही है। इस बयान के सुर्खी बनते ही इसकी चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इस बयान से तो साफ समझ आता है कि ये महज चुनावी मानसून में दिया गया एक बयान है, क्योंकि 7 लोग, वो भी बीजेपी के, शब्दतः एक सी बात कहें, विश्वास नहीं होता। इन 7 लोगों में छोटी भाजपा यानी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला, महामंत्री गंगा पांडे, दीपक जैन, प्रदेश मंत्री गौरव रणदिवे और बड़ी भाजपा यानी नगर इकाई के मंत्री कमलेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष राज कपूर सुनहरे और वीरेंद्र व्यास शामिल हैं। इन 7 के टारगेट पर केवल एक सज्जन सिंह वर्मा ही थे, लेकिन उन्होंने 3 और कांग्रेसियों को भी घेर लिया और एक ऐसा बयान जारी कर दिया जो चर्चा का विषय बन गया। इनके निशाने पर AICC में जगह बनाने वाले मालवा निमाड़ के सज्जन वर्मा, बाला बच्चन, अरुण यादव और डॉक्टर विजया लक्ष्मी साधो रही। हालांकि 7 नेताओं के एक लाइन के बयान की सुर्खी बनने के बाद वो अपना तय माहौल बनाने में कामयाब कहे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी गलियारों से ये कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस के 4 नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा की छोटी और बड़ी इकाई के जो नेता ये बयान जारी कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि वे चुनाव तक अपने पद पर भी बने रह पाएंगे या नहीं। अब 7 नेताओं के इस बयान को खुद को सक्रिय करने वाला बयान करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शहर के गलियारों में चुनावी मानसून की फिलहाल अच्छी बारिश हो रही है और दोनों ही दल अर्थात कांग्रेस और भाजपा के नेता टुच्चे बयानबाजी कर अपने अपने पदों को सुशोभित करने की खाना पूर्ति कर रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। टिकट वितरण का काम रायशुमारी के साथ शुरू भी कर दिया है, लेकिन ये क्या, अपने बेटे को टिकट दिलवाने का सपना पाले एक पूर्व विधायक गांधी भवन पहुंचे तो सही, लेकिन रायशुमारी होती उससे पहले ही सो गए। ये देख हर कोई बोल पड़ा, क्या भैया सो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, दोनों का ही एक सा सपना है कि कब उनके चिरंजीव MLA बनकर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सपना केवल यही दो नेता अपने सुपुत्रों के लिए देख रहे हैं, बल्कि प्रदेश में ढेर सारे ऐसे लीडर हैं जो अपने सुपुत्रों के लिए विधानसभा पहुंच मार्ग को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इस काम में उन नेताओं में जबरिया छटपटाहट देखी जा रही है जो विधायकी का स्वाद तो चख चुके हैं, लेकिन अब उनकी विरासत विरोधी पार्टी के लोग संभाल रहे हैं। हमारे शहर में भी स्थिति देखी जा रही है। 1 नंबर से कांग्रेसी विधायक रहे रामलाल यादव उनके पुत्र दीपू के लिए जमकर संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत उतना साथ नहीं दे पा रही। यादव पूरी शिद्दत से अपने पुत्र के लिए बार बार मैदान में आ रहे हैं। गांधी भवन में हुई रायशुमारी के दौरान भी रामलाल यादव सबसे पहले पहुंचे, लेकिन भल्लू भैया को पता नहीं कैसे प्रमोद टंडन के कमरे में नींद नहीं घेर लिया।
भैया को ये भी पता नहीं चला कि कब महाराष्ट्रीयन पर्यवेक्षक आए और एक नंबर क्षेत्र की रायशुमारी भी हो गई। हालांकि ये बात भी सही है कि समय रहते भैया जाके और रायशुमारी में हिस्सा भी लिया, लेकिन अब गांधी भवन के गलियारों में भैया को नीन द्वारा घेर लिए जाने की चर्चा जरूर एक नंबरी गलियारों तक पहुंच चुकी है। और अंत में बात करते हैं उत्तराखंड त्रासदी की। उत्तराखंड त्रासदी झेल सकुशल अपने शहर पहुंच चुके श्रद्धालु अब सरकारी दावों को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों की सरकारें भले ही अपने अपने क्षेत्र के श्रद्धालुओं को बचाने की लाख कोशिश के दावे जताए, लेकिन प्रभावित इससे सही नहीं मानते। अब शहर के गलियारों में श्रद्धालु लाइव यानी खुद वो सारी परेशानियां बयां कर रहे हैं जो उन्होंने मौत के मुंह में बैठ देखी और खुद भुगती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गौरीकुंड ये वो इलाके हैं जहां आज भी मौत मंडरा रही है। जहां भी नजर दौड़ाएं वहां पर मातमी माहौल ही पसरा पड़ा है। खुद को इस मंदिर से बचा पाने में कामयाब रहे श्रद्धालुओं को रह रहकर सुबह शाम वही नजारा आंखों के सामने आ रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी श्रद्धालु वो मंजर भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर और खौफ है कि उनके दिलो दिमाग से हटने को तैयार ही नहीं। खास बात तो यह है कि अपने घर पहुंच रहे श्रद्धालुओं से लगातार उनके मिलने वालों और पूछ परख करने वालों ने उन्हें परेशान कर रखा है। हर कोई वहां की तस्वीर श्रद्धालुओं की जुबानी सुनना चाह रहा है। लौटे श्रद्धालु भी लगातार ही रह रहकर आप बीती सुना रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि वहां सब कुछ मिटने के बाद नस्तनाबूत हो चुका है, लाशों का ढेर लगा हुआ है और सरकारी दावे हैं कि केवल खोखले ही साबित हो रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी जानें बचाई हैं, उनमें ज्यादातर ऐसे हैं कि उन्हें उनके भाग्य ने आपदा आने से पहले ही पूरा पूरा साथ दिया था। सैकड़ों की संख्या में शव सड़ा मार रहे हैं और यहाँ कभी भी महामारी जैसे हालात बन सकते हैं। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, जिनकी सहायता करना किसी सरकार की बूते की बात नहीं है। श्रद्धालु केवल तारीफ कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी की, जिसने खुद के प्रयासों से ढेर सारे श्रद्धालुओं को अपनी जान जोखिम में डालकर आपदा स्थल से निकाला है। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाकी ज्यादातर लोग लूट खसोट और गुमराह करने का काम करते देखे गए। सरकारी दावों पर श्रद्धालु विफल पड़ते हैं और ये कहते हैं कि सरकार पहले दिन से जाग जाती तो शायद ढेर सारे लोगों को बचाया जा सकता था। पहले दिन की अफरा तफरी के साथ ही अगर मददगार खड़े हो जाते तो लोगों को 8-8 दिनों तक मौत से दो दो हाथ नहीं करना पड़ते। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।